चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का सम नंबर 3। सम नंबर 3 जो है बेसिकली आपको सारे एंगल क्लियर होंगे, मतलब आप बोलोगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो सारे लॉजिक अप्लाई होंगे। तो बच्चा यहाँ शुरू करते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसमें जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसलिए बात अलग है, लेकिन ये पॉइंट आप खाली बस ध्यान रखना कैसे सम को सॉल्व करते हैं। सम बेसिकली सिंपल फिगर जो दी हुई है इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो गिवन फिगर है वो कुछ इस तरह दी हुई है। पहले पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। तो हमें यहाँ दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये जो दो लाइन है ए बी एंड सी डी वो पैरेलल है, इतना हमें दे दिया है। तो आप सारे एंगल बोलोगे सर इक्वल या टोटल 180 जो भी होता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और आप बोलोगे सर ट्रांसवर्सल से वन साइड होता है, मतलब ट्रांसवर्स सम ऑफ द एंगल ऑफ इंटीरियर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 होता है, वो लॉजिक आपको क्लियर करना है। आगे चलते EF परपेंडिकुलर CD। बच्चा ये डायलॉग ध्यान से समझना, ये परपेंडिकुलर की साइन है। कौन सी साइन है? परपेंडिकुलर की। तो बच्चा यहां इतना बोला हुआ है एंड बोला हुआ है GED एंगल जो है वो 125। GED तो आप बोलोगे सर ये पूरा एंगल जो है वो 126 है, वो दिया हुआ है। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं, फाइंड आउट द AGE। AGE ये वाला एंगल बाद में बोला हुआ है, GEF ये वाला एंगल आपको ढूंढना है, ये वाला एंगल ढूंढना है, और बाद में बोला हुआ है FGE तो मतलब ये वाला एंगल, तीन एंगल ढूंढना है। समझ में आया बच्चा? तो आप बोलोगे सर समझ में आ गया, तीन एंगल ढूंढना है। गिवन जो है वो AB, आप बोलोगे पैरेलल टू CD। तो अभी सीधा हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। आपको लिखना है गिवन में तो एक दो एंड चीज, तीन चीजें लिखनी है। चलो लिखते ही जाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। गिवन में एक पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये तो सिंपल है। मुझे इंटरेस्ट इसमें है ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, जिसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल है ना एफ ई डी, आप बोलोगे सर एफ ई डी 90 हो जाएगा। परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, 90 हो जाएगा, वो ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, और दिया हुआ है यहां पे GED 126 डिग्री। जैसे ये सॉल्व होता है बच्चा, तो हमारा फोकस क्या रहेगा, हमें ये पता है क्या। तो आप बोलोगे सर जी, हमें ढूंढना है जी, पहले तो लिख लेते जीईडी। पहले ये जीईडी बनता कैसे है, जीईडी जो दो एंगल से मिक्सचर से बनता है, जीईएफ और आप बोलोगे एफईडी, तो लिखते हैं दोनों। तो आप बोलोगे सर लिखो GEF प्लस आप बोलोगे FED, ये हमें समझ में आया पक्का बच्चा। आप बोलोगे सर हमें ये तो पता है ये जो एंगल है ना 126 है, और ये FED जो है वो 90 है, वो हमें पता है परपेंडिकुलर है, तो GEF है वो हमें मिल जाएगा 126 माइनस 90। तो आप बोलोगे GEF, सॉल्व करोगे बच्चा तो इसमें 100 कर दो 26 और 10 ऐड कर देते तो 36 डिग्री का ये GEF आ जाएगा। जैसे ये एंगल आ गया एक काम तो खत्म, हमें बोला गया था आप बोलोगे GEF ये वाला। अब दो क्वेश्चन मार्क रह गए यहां और यहां, इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फिर से हम बना देते हैं। ये हमें पता है 126 और ये दोनों आपको ढूंढना है। समझ में आ रहा है बच्चा? तो बहुत सिंपल है, यहां पहला जो स्टेप है ये दोनों इक्वल होंगे। कौन से लॉजिक के हिसाब से? तो आप बोलोगे सर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्लियर है बच्चा? तो यहां पे हम लिखते हैं आगे, यहां पे जो पहला एंगल होगा ए जी ई, यहां पे मैं लिख दूं बच्चा ए, यहां पे लिखना है जी ई और यहां पे बी, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे, डी और सी, बस चलो। तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये एंगल लिखना है ना, तो ए जी ई और उसके बाद आप बोलोगे सर ये वाला एंगल 126, तो आप बोलोगे जी ई डी जो हो जाएगा 126 डिग्री।
लॉजिक क्या लगेगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। समझ में आया बच्चा, ये पॉइंट में डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो आप बोलोगे सर अब ये वाले एंगल की बात कर देते हैं। तो बच्चा ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, क्योंकि ध्यान से देखो, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो क्या होता है, टोटल सप्लीमेंट्री होता है या 180 होता है, ऐसे बोल सकते हो। तो वही लॉजिक को अप्लाई करना है। तो आप बोलोगे सर यहां पे जो है, आप बोलोगे बी जी ई, तो ये वाला लिखा बी जी ई, और ये नहीं समझ में आया तो ये वाला बी जी ई, और दूसरा लिखोगे जी ई डी, प्लस करके लिखोगे जी ई डी, जो होगा कितना 180 डिग्री। पहले ये क्लियर है, लिखेंगे ऑल्टरनेटिव एंगल, आप लिखोगे इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। क्लियर है बच्चा, जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर हमें ये पता है, ये वाला ये जो है 126, तो आप बोलोगे ये एंगल एज इट इज बी जी ई 126 और ये 180, तो आप बोलोगे बी जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 बी जी ई, तो यहाँ पे आप लिखोगे 180 माइनस 126, तो ये 10 है, ये आप बोलोगे 7, तो आप बोलोगे 4, ये 50, मतलब 54 एंगल आ जाएगा। ये बच्चा सम ऐसा बोला जाएगा, टफ कैटेगरी में नहीं आता, ये सिंपल है सब्जेक्ट, तो आपको लॉजिक क्लियर है। तो आपको लॉजिक नहीं क्लियर होंगे तो बच्चा ये टफ नहीं, बहुत ही टफ कैटेगरी में आ जाएगा। तो सिंपल प्रैक्टिस करो, आगे के पॉइंट सारी याद रखो, नहीं पता है तो रिफर करो वीडियो, या नोट्स बनाइए तो उसमें से रिफर करो। तो बच्चा यही हम लेक्चर खत्म करते हैं, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो स्टेप बाय स्टेप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।